देखिए यहाँ हम फुलकी भी बना लिए हैं और फुलकी के लिए मसाला तैयार कर लिए हैं। छोला जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है घर पे बनाना, फुलकी एक दो बार बना रहे नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, तो आप इस तरह से रेडीमेड फुलकी ले लें और इस तरह से छोला भी घर पे तैयार कर लें। थोड़े ही पैसे में आप पूरे परिवार, पूरे फैमिली खूब भर भर कर पेट खाइए घर पे और एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, शशिकला द विलेज रसोई में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चाइना फुलकी की सामग्री। सभी सामग्री घर पे तैयार करेंगे और चाइना फुलकी जो रेडीमेड मिलता है वो हम मंगाए हुए हैं बाजार से, तो सभी सामग्री हम लिए हुए हैं। अब आपको बता रहे हैं कौन कौन सी सामग्री लिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए हम लिए हुए हैं चाइना फुलकी जो रेडीमेड आता है, और पानी बनाने के लिए यहाँ इतने सामग्री लिए हुए हैं। इन सभी की हम चटनी पीस कर तैयार कर लेंगे और ये सब तो पीसा हुआ है, तो पानी बनाने के लिए हम चटनी पीस लेते हैं। और फुलकी के जो छोला हम तैयार करेंगे चाट के रूप में, चाहे छोला के रूप में कहिए, हम फुलकी के लिए जो मसाला तैयार करेंगे, यहाँ पे हम मटर लिए हुए हैं जो उबाल लिए हैं, थोड़ा सा अंकुरित मटर लिए हुए हैं ताकि विटामिन से भरपूर रहे। तो मटर हम उबाल लिए हैं, आलू भी उबाल लिए हैं, आधा किलो मटर है, 1 किलो आलू हम लिए हुए हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर, 4 प्याज मीडियम साइज के, 8 से 10 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, हरा धनिया, पुदीने की पत्ती, थोड़ा सा इमली, काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और सादा नमक भी इसमें यूज करेंगे। तो चलिए इन सभी को हम बारीक काट लेते हैं और जो पानी के लिए चटनी हम उसे भी हम पीस लेंगे, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी सामग्री काट लिए हैं। छोला के लिए सभी सामग्री हम बारीक काट लिए हैं और पानी के लिए भी यहाँ हम चटनी पीस कर तैयार कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम छोला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, लगभग 50 ग्राम हम सरसों के तेल लेंगे। तो तेल थोड़ा सा गर्म होते ही हम 1 चम्मच डालेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा चटकने पे अदरक हम डालेंगे बारीक घिसा हुआ। हम 6 सेकेंड बाद हम प्याज भी डाल देंगे। और प्याज डालने पे थोड़ा तेज आंच पे हमें इसे पकाना है। तो जब तक प्याज पकेगा तब तक हम आलू को तोड़ के और मटर दोनों को तोड़ के एक में मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा प्याज भी पकाने पे अब हम डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ सभी मसाले हल्के सुनहरे हो गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर पकाने के लिए थोड़ा सा हम सादा नमक डाल देंगे 1 चम्मच। नमक पाते ही टमाटर जल्दी से गल जाता है। थोड़ा सा टमाटर पक गया है तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे और 2 चम्मच चाट मसाला। इसे चलाते हुए हम 2-3 मिनट पकाएंगे। अब इसमें हम मिक्स किए हुए आलू और मटर जो हम तोड़ लिए हैं तो इन्हें हम डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डाल के हम चला लिए हैं। अब धीरे धीरे धीमी आंच पे इसे हम पकाएंगे। यहाँ देखिए धीरे धीरे उबल रहा है। अब इसमें हम कुछ मसाले और मिलाएंगे। 1 बड़ा चम्मच हम जलजीरा पाउडर लेंगे, जो जलजीरा मसाला होता है, इससे जो है चाट या छोला की बहुत ही अच्छी स्वाद हो जाती है। और सादा नमक हम 1 चम्मच डाले हैं, 1 चम्मच हम काला नमक भी लेंगे।
और भुना हुआ एक आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और हरा पुदीना और हरा धनिया की चटनी एक बार इसे हम चला लेंगे। और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच और यहाँ पे थोड़ा सा इमली घोल कर लिए हैं तो इमली का रस भी हम इसमें डाल देंगे। ये जो है खट्टेपन के लिए हम डालते हैं, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया लगेगा चाट का जो फुलकी के लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। अब इसे हम चलाते हुए धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे। बनाते बनाते शाम हो गई है, अब जब तक छोला पकेगा धीमी आंच पे इसे हम पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे और तब तक चल रहे हैं हम फुलकी की पानी तैयार करेंगे। तो फुलकी की पानी बनाने के लिए हम 3 पाव पानी लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चटनी जो हम लिए थे पीस कर और इमली का पानी है, इमली हम मीज कर उसका पानी बना लिए हैं, बहुत खट्टा है तो इस सभी को हम डाल देंगे। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 चम्मच काला नमक, 2 से 2.5 चम्मच जलजीरा पाउडर मसाला और स्वाद अनुसार सादा नमक। अब इन सभी को हम अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ फुलकी की पानी बनकर तैयार है, तो फुलकी की पानी बनकर तैयार है, छोला भी हमारा एकदम तैयार है, उसे उतारेंगे और हम फुलकी फ्राई करेंगे। तो यहाँ फुलकी का मसाला भी बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतर। तो इसे हम उतारते हैं। अब फुलकी को तलने के लिए हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा रिफाइन तेल। अब यहाँ पे तेल गरम हो गया है, अब हम फुलकी को इसमें छोड़ेंगे एक एक फुलकी। यहाँ देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों हम सभी फुलकी फ्राई कर लेंगे ऐसे ही तेज आंच करके। तेल गरम हो जाए तो हमें धीमी आंच कर लेना है, उसके बाद फुलकी फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम फुलकी सभी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हम फुलकी भी बना लिए हैं और फुलकी के लिए मसाला तैयार कर लिए हैं छोला, और यहाँ पानी भी तैयार कर लिए हैं, फुलकी के लिए जो ऊपर से सामग्री है उसे भी हम तैयार कर लिए हैं। तो रेडीमेड फुलकी और सभी सामग्री घर पे हम तैयार किए हुए हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी घर पे बना सकते हैं, खा सकते हैं। जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है घर पे बनाना फुलकी, एक दो बार बना रहे नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, तो आप इस तरह से रेडीमेड फुलकी ले लें और इस तरह से छोला भी घर पे तैयार कर लें, पानी भी घर पे तैयार कर लें और जो सलाद सामग्री है उसे भी घर पे तैयार करके थोड़े ही पैसे में आप पूरे परिवार पूरे फैमिली खूब भर भर कर पेट खाइए घर पे और एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।